हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो सेशन में अपन बात करने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के लिए क्वेश्चन पेपरों की, यहाँ पे जो सीरीज चल रही हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आपके दोस्त भी यहाँ पे जान सके, आने वाले एग्जाम के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन कर सके। पहले प्रश्न है आज का, अपना शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सोजे वतन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। सोजे वतन पुस्तक का नाम है, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। और दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद है जो कि यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। तो सोजे वतन जो कि पुस्तक है यह लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। मुंशी प्रेमचंद की काफ़ी सारे पुस्तकें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि इनके बारे में एग्जाम में कभी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है, तो निम्न में से किसने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था यह भी आपसे पूछा जाए। तो यहाँ जो सही आंसर है वो डी अपना सही आंसर है, सर सैयद अहमद खान है जिसके द्वारा अलीगढ़ आंदोलन है जो कि चलाया गया था। तो डी जो कि अपना सही आंसर हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की यहाँ पे इजाजत दी थी। तो मुगल बादशाह का नाम बताना है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी, कब स्थापित की गई थी, तो वो सन 1600 के अंदर स्थापित की गई थी। और सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत कौन से मुगल बादशाह ने यहाँ पे दी थी। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के द्वारा यहाँ पे सूरत में यहाँ पे इनको कारखाना लगाने की इजाजत दी गई थी और इन्होंने पहला कारखाना सूरत में ही लगाया था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था। अंग्रेजों का यहाँ पे अपन ने बात की ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उन्होंने सूरत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना जो कि लगाया था। और यहाँ पे पुर्तगाल के बारे में आपसे पूछा जाए कि इन्होंने अपना पहला व्यापार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया, तो इन्होंने किया था गोवा में। ठीक है, तो गोवा के अंदर इन्होंने अपना व्यापार केंद्र स्थापित किया था। पुर्तगालियों के बारे में बात करें तो भारत में जो विदेशी आए थे उनमें सबसे पहले यहाँ पे आके इन्होंने व्यापार शुरू किया और सबसे लास्ट 1961 के अंदर ये भारत से लास्ट सबसे लास्ट में गए थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसके अलावा डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, सब आए थे, लेकिन फ्रांस से भी आए थे, लेकिन जो पुर्तगाली है वो सबसे पहले आए थे, वो सबसे लास्ट में गए थे और इन्होंने गोवा में अपना व्यापार केंद्र स्थापित कर रखा था। नेक्स्ट है, किस वर्ष किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी। तो 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती की जो मृत्यु हो गई थी वो किस वजह से हुई थी वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो जहर दे देने की वजह से हो गई थी और 1883 में दीपावली के पर्व के अवसर पर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे बी आपका सही आंसर है जो कि हो जाएगा। नेक्स्ट है, कादंबरी किसकी रचना है। तो कादंबरी किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक है आपको बताना है। यहाँ पे कवि कालिदास है, महाकवि माघ का नाम लिखा है, मुंशी प्रेमचंद है या फिर बाणभट्ट है। तो कादंबरी है जो कि लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा डी है जो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है आपको यहाँ पर बताना है। तो असम है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है या फिर मेघालय, क्या है जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जिसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व कितना है, 17 लोग हैं जो कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। कितना रहते हैं? 17 लोग ही रहते हैं। और सबसे ज़्यादा है जो कि कहाँ का है, सबसे ज़्यादा है बिहार का। ठीक है, जहाँ पर 1100 के लमसम है जो कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा घनत्व है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है जो कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे वाशिंगटन डीसी। क्या हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी है जो कि यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यूएसए के अंदर है जहाँ पे विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट है, पेरिस
पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो पेंसिल के आगे जो लिखने के लिए जो काला होता है वो किसका बना होता है? तो वो दोस्तों किसका बना होता है? वो बनता होता है ग्रेफाइट का। तो बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट के बारे में आपको ध्यान रखना है, यह कार्बन का अपर रूप है और यह यहाँ पर जो ऊर्जा होती है उसका सुचालक होता है, ऊष्मा का और यहाँ पे विद्युत का, ठीक है, यानी कि विद्युत का है जो कि यहाँ पे सुचालक होता है, यह आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो यह की गई थी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में यहाँ पे संविधान सभा के एक अस्थायी अध्यक्ष हैं जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष हैं जो कि चुना गया था। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष है जो कि चुना गया था। और 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी और इसमें प्रस्तावना जो है अपनी संविधान की वो यहाँ पर पेश की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो तीनों प्रश्न यानी कि यहाँ पे आपको 4-5 प्रश्न हैं जो कि एक साथ क्लियर हो रहे हैं, आप एक को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के अधिकांश शिलालेख हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, यह किस लिपि के अंदर लिखे गए हैं? तो यह लिखे गए किस लिपि में? यह लिखे गए ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि है, उसके अंदर लिखे गए हैं। देवनागरी लिपि अपनी हिंदी भाषा की लिपि है। गुरुमुखी लिपि है जो कि यहाँ पे पंजाबी भाषा की लिपि है, ठीक है। तो दोनों ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, रिवर्स फ्लिप क्लिक का संबंध किस खेल से है? तो रिवर्स क्लिक शब्द है, इसका संबंध कौन से खेल से है आपको बताना है। तो बैडमिंटन है, हॉकी है, बास्केटबॉल है या फिर क्रिकेट। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो हो जाएगा हॉकी। तो रिवर्स क्लिक के बारे में आपसे पूछा जाए कि यह शब्द किस खेल से संबंधित है, तो यह हो जाएगा हॉकी, यानी आपका बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, मानस अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मानस अभयारण्य के बारे में आपसे पूछा गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है कहाँ पर है, यह यहाँ पे 4 ऑप्शन है और असम है जो कि यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। मानस अभयारण्य असम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो डाक तंत्र के बारे में बात की है, यह किस देश का सबसे बड़ा है आपको यहाँ पर बताना है, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका? तो यहाँ पे आपका इंडिया है जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत का जो यहाँ पे डाक तंत्र है वो सबसे बड़ा डाक तंत्र है। नेक्स्ट है, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? तो लाल त्रिकोण के बारे में यहाँ पे बात की गई है, यह है किसका प्रतीक चिन्ह है दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। तो डेंजर खतरा, सहायता, हेल्प, शांति, पीस, परिवार नियोजन कार्यक्रम। तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा परिवार नियोजन कार्यक्रम है, जो कि यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पे हो जाएगा। तो लाल त्रिकोण प्रतीक है परिवार नियोजन का। नेक्स्ट है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछी गई, यह किसके द्वारा की गई थी? तो श्रीनगर की स्थापना की गई थी अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा है जो कि यहाँ पे की गई थी। तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सम्राट अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौते के बारे में पूछा गया, यह किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ था, यह हुआ था 4 मार्च 1931 को हुआ था, 4 मार्च 1931 को हुआ था। उसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहाँ पे गए थे। तो उससे पहला जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें गांधी जी गए नहीं थे क्योंकि गांधी जी जेल में थे, तो उस वक्त यहाँ पे गांधी जी गए नहीं, तो पूरी कांग्रेस ही वहाँ पे नहीं गई। द्वितीय के अंदर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कहता यहाँ पे गांधी जी के द्वारा, और फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें भी कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि ने यहाँ पे भाग नहीं लिया था। तो बी आपका यहाँ पे सही आंसर है जो कि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो भारतीय संघ का जो राष्ट्रपति होता है वो कार्य करता है, तो किसकी परामर्श के अनुसार कार्य करता है? तो यह जो कार्य करता है वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री की परामर्श से कार्य करता है, और प्रधानमंत्री होता है उसका कार्य होता है कि वह राष्ट्रपति को अपनी परामर्श दे, ठीक है। तो बी डी है जो कि यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया है जो कि कहलाती है वल्कनीकरण। क्या कहलाती है? वल्कनीकरण, यानी कि आपका बी है जो कि यहाँ पे सही आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट है पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं। तो पश्चिमी और पूर्वी घाट है, इन दोनों का मिलान कहाँ पर होता है। ये जो भारत है तो यहाँ पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, इन दोनों का मिलान है कहाँ पर होता है। तो यह होता है नीलगिरी की पहाड़ियों में, यहाँ पे इन दोनों का मिलान होता है। तो ये है जो कि आपका यहाँ पे सही आंसर है हो जाएगा। महेंद्रगढ़ है जो कि पूर्वी घाट में, अरावली राजस्थान में, सतपुड़ा एमपी में यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, यह कब हुआ था आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो दोस्तों सही आंसर है वो हो जाएगा सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि अंतरिम सरकार के बारे में आपसे पूछा जाए, आपको न तो 1950 करना है, न 1947 करना है, न ही 1952 करना है। क्योंकि ये जो है ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा बार कंफ्यूज करता है, क्योंकि 1952 में चुनाव हुए थे, 1950 में संविधान का देश लागू हुआ था, जो संविधान लागू हुआ था 1947 में देश आज़ाद हुआ था। तो हो सकता है कि ये हो जाए ये हो जाए, लेकिन नहीं, अपना जो सितंबर 1946 है उसमें अपनी अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। तो क्रिकेट पिच की लंबाई के बारे में पूछा गया दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी होती है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है 22 गज है, 66 फुट है दोनों। तो यहाँ पे जो सही आंसर है दोनों हो जाएगा, यानी कि गज के अंदर मापी जाए तो वो हो जाएगा 22 गज, और फुट के अंदर बात की जाए तो 66 फुट हो जाएगा। ठीक है, या तो हो जाएगा 22 गज या फिर हो जाएगा 66 फुट। तो क्रिकेट पिच की लंबाई की यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है। तो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल हरियाणा की बात की गई है, यह कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है सोनीपत हरियाणा में। कहाँ पे हो जाएगा, सोनीपत हरियाणा, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, यह अपने भारत के दूसरे जो कि प्रधानमंत्री थे, तो इनके बारे में आपको बताना है, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में। कहाँ पर हुई थी, ताशकंद में। तो सी जो कि आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी। तो कालिदास के द्वारा काफी सारी रचनाएं की गई थी, तो वो किस भाषा में की गई थी। तो यह की गई थी यहाँ पे संस्कृत भाषा, यानी कि सी है जो कि आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके यहाँ पे जो गोली चलाने का आदेश दिया था वो थे माइकल ओ डायर। तो उनकी जो हत्या की गई थी लंदन में जाके हत्या की गई थी, क्योंकि इन्होंने जो अपना गोली का आदेश दिया था उसके बाद इसको निष्कासित कर दिया गया था, भारत से वापस भेज दिया गया था लंदन। लेकिन इनके साथ कोई बड़ा कार्यवाही नहीं की गई, उन पर कोई केस नहीं चलाया गया, इन्हें छोड़ दिया गया और लंदन भेज दिया गया। तो इनको यहाँ पे 12 मार्च 1940 को इनको वहाँ पे लंदन में जाके यहाँ पे गोली मार दी गई थी और हत्या की गई थी उधम सिंह के द्वारा। किन के द्वारा, उधम सिंह, यानी कि बी है जो कि आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना तो यह की गई थी महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा। तो महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं। तो टोडा जनजाति के बारे में आपसे पूछे गए हैं, यह किस राज्य में निवास करती हैं। तो यह निवास करती है कहाँ पर, यह करती है तमिलनाडु में। टी से तमिलनाडु और टी से टोडा है जो कि जनजाति यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो बी आपका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट है, असम का पुराना नाम क्या है। असम का पुराना नाम आपसे पूछा गया है, ओल्ड नेम है जो कि बताना है, विष्णु नगर, रामनगर, कामरूप या फिर आराम नगर। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि कामरूप है जो कि असम का ओल्ड नाम यानी प्राचीन नाम है जो कि हो जाएगा। तो सी यहाँ पे आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके बारे में एक बार पहले भी हम बात कर चुके हैं, विश्व महिला दिवस, यह आपको याद होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि 8 मार्च को विश्व महिला दिवस है जो कि मनाया जाता है। तो डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, यह तो आज का महत्वपूर्ण सेशन था। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन भी दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो गवर्नमेंट जॉब के अपडेट समय समय पर आपको मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।